जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम। आज हम आए हैं श्री राधा वल्लभ जी मंदिर में। जी हाँ, आज मैं आपको श्री राधा वल्लभ जी के बारे में कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। माना जाता है कि भगवान विष्णु के एक उपासक होते थे जिनका नाम आत्मदेव था। वे एक ब्राह्मण थे। एक बार उन्हें भगवान शिव के दर्शन पाने की इच्छा हुई। फिर क्या हुआ, वे शिव का कठोर तप करने लगे और भगवान भोलेनाथ तो हमारे बहुत सरल हैं। आत्मदेव के कठोर तप को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। अब ब्राह्मण आत्मदेव को तो बस दर्शन की भावना से भगवान शिव की तपस्या करी थी, अन्य कोई अभिलाषा उनके मन में नहीं थी। लेकिन भगवान शिव ने वरदान मांगने को उनको कहा कि आत्मदेव, तुम कुछ भी मेरे से वरदान मांग सकते हो। तो ब्राह्मण आत्मदेव ने यह कार्य भी शिवजी पर ही छोड़ दिया और कहा कि भगवान, जो आपके हृदय को सबसे प्रिय हो, यानी जो आपको अच्छा लगता हो, वही वर दे दीजिए। तब भगवान शिव ने इस राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया, साथ ही इसकी पूजा व सेवा करने की विधि भी ब्राह्मण आत्मदेव को बता दी। कई वर्षों तक आत्मदेव इस विग्रह को पूजते रहे। बाद में महाप्रभु हरिवंश अपनी इच्छा से इस विग्रह को वृंदावन लेकर आए और उन्हें स्थापित कर दिया। राधा वल्लभ जी की नींव यहीं से रखी गई। मदन तेर, जिसे आम बोल चाल में ऊंची ठौर भी कहा जाता है, वहां पर लताओं का मंदिर बनाकर इन्हें विराजित कर दिया गया था। आपको विशेष बात एक और अनुभव में होनी चाहिए। राधा वल्लभ अनोखे विग्रह में राधा और कृष्ण एक ही नजर आते हैं। इसमें आधे हिस्से में श्री राधा और आधे हिस्से में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। माना जाता है कि जो भी सारे पाप कर्मों को त्याग कर निष्कपट होकर सच्चे मन के साथ मंदिर में प्रवेश करता है, सिर्फ उस पर ही भगवान राधा वल्लभ जी प्रसन्न होते हैं और उनके दुर्लभ दर्शन उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। लेकिन जिनके हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना नहीं होती है, वे लाख यत्न करने पर भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी कारण इनके दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भजन कीर्तन सेवा पूजा करने का उत्साह बहुत ज्यादा रहता भी है। राधा वल्लभ की एक बहुत बड़ी विशेषता यह भी है कि आप कोई भी मनोकामना लेकर के जाएंगे तो यहाँ दर्शन मात्र से वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आप भी श्री राधा वल्लभ जी के ये अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त करें